एक या वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इन्फिनिक्स के बारे में हर एक चीज़ नॉलेज मिल जाएगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये जो आप फ़ोन देख रहे हो ना, ये फ़ोन है इन्फिनिक्स का नोट 11 और हमने इसे लिया था तकरीबन एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले, क्योंकि हमने लिया था 2022 में अप्रैल मंथ में हमने लिया था। तकरीबन डेढ़ साल हो चुके हैं इस फ़ोन को। तो आज इस फ़ोन के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि यह फ़ोन कैसा है, किस प्रकार चलता है, आज भी डेढ़ साल चलाने के पश्चात इसमें क्या ख़राबी है, क्या अच्छाई है और इन्फिनिक्स के फ़ोन कैसे होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बस एक या वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इन्फिनिक्स के बारे में हर एक चीज़ नॉलेज मिल जाएगा। बहुत लोगों का दिमाग में रहता है कि इन्फिनिक्स का फ़ोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें ख़राबी होती है, मतलब कि हर एक चीज़। मैंने इसे डेढ़ साल यूज किया है, हर एक चीज़ मैं इसमें बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या ख़राब हुआ, क्या क्या चीज़ इसमें अच्छा था, मतलब कि हर एक चीज़ मैं इसमें आपको बता सकता हूँ इन्फिनिक्स को लेने का या नहीं लेने का, ठीक ना। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, आपको सब कुछ इस में मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, पहले तो मुझे इस फ़ोन को लिए हुए डेढ़ साल हो गए, ये क्लियर है, और इसमें क्या ख़राबी हुई, क्या पहले इसके मैं फ़ीचर बताता हूँ इसमें क्या क्या फ़ीचर है। तो गाइस, पहले तो देखिए, ये फ़ोन जो है ये टाइप सी सपोर्ट करता है, ठीक। दूसरी बात, टाइप सी बहुत ही आजकल तो रियल हो चुका है हर एक फ़ोन में, लेकिन ये हमने लिया था 2022 में अप्रैल मंथ में, तो उस समय भी टाइप सी आया था। उस समय बहुत फ़ोनों में टाइप सी नहीं मिलता था, और हाँ, हमने इसे परचेज़ करा था 12,000 रुपये में। और इसका और गुण बताता हूँ, और इसमें देखिए स्टीरियो स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर समझ रहे हैं, ये नीचे भी बाजता है और यह ऊपर भी बाजता है, दोनों स्पीकर इसमें बाजता है। और ये जो फ्रंट वाला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, और जो ये रियर वाला कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। और कैमरे के मामले में हर एक चीज़ बढ़िया है इसका। फ्रंट जो भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप हमारे जो भी वीडियो देखेंगे पीछे, वो सब इसी के फ़ोन से रहता है, फ्रंट वाले कैमरे से। रियर का भी इसका बहुत ही मस्त कैमरा है, और बैटरी भी इसका आज भी बहुत ही ज़बरदस्त चलती है, हैवी यूज तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे प्रॉपर दे देती है। और टाइप सी चार्जर है, तो फास्ट चार्जर भी है इसमें, जो कि 33 वाट का है, और इसे चार्ज करने में 1.5 घंटे प्रॉपर लेता है, और अच्छी प्रकार से वो चार्ज कर देता है। और बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी चलती है, मैं इसे चलाता हूँ, हर एक चीज़ इसका बेस्ट है। और कुछ इसमें, और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि एक बार क्या हुआ कि मैं ब्लॉग बनाने गया था, तो उस समय इसका डिस्प्ले टूट गया था, हमारे वक्त गिरने वजह से डिस्प्ले टूट गया। तो वो कोई भी फ़ोन अगर गिरेगा तो डिस्प्ले टूट जाएगा, मतलब वैसे या फ़ोन बहुत ही लाजवाब है। और इन्फिनिक्स का फ़ोन मैं बता रहा हूँ, आपको लेना चाहिए, इसमें हर एक चीज़ देते हैं, हर एक फीचर देते हैं, कम बजट में फ़ीचर बहुत ही ज़्यादा। इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल, या तीनों एक ही कंपनी है, लेकिन इन तीनों में मुझे प्रॉपर इन्फिनिक्स का फ़ोन बहुत ही पसंद आते हैं, लुक वाइज भी, और इसमें जो भी फीचर देते हैं वो सब कुछ। मैं अपना भी बात कर रहा हूँ, और बहुत लोगों से मैंने रिव्यू भी लिया है, बहुत लोगों से पूछा है जो इन्फिनिक्स के फ़ोन चलाते हैं, वो भी कहते हैं कि इन्फिनिक्स का फ़ोन बेस्ट होता है। तो आज से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन्फिनिक्स को लेने में, आप बेधड़क ले सकते हैं, जैसे कि रेडमी का लेते हैं, रियलमी लेते हैं, ओप्पो लेते हैं, वीवो लेते हैं, पोको लेते हैं, हर एक फ़ोन जो भी आप जैसे भी जाकर ले लेते हैं, मोटोरोला, तो इन्फिनिक्स का भी जाकर आप ले सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह फ़ोन टिकता है, चलता है हर एक चीज़, इसको जैसे हर एक फ़ोन को बचा कर चलते हैं, इसको भी बचा कर चलेंगे तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि मैंने इसे यूज कर रहा हूँ। आज जिस फ़ोन से इस समय फ़िलहाल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भी फ़ोन इन्फिनिक्स का ही, और उस फ़ोन को मैं तकरीबन 3 साल हो गए चलाते हैं। उसका डिस्प्ले 1-2 साल पहले का उसका ख़राब है, लेकिन आज भी थोड़ा सा उसमें कभी कभी सफ़ेद हो जाता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा काला काला टप हुआ है अभी भी, लेकिन आज भी उससे वीडियो रिकॉर्डिंग या उसको आज भी चलाते हैं तो उसका बैटरी बैकअप, कोई भी उसमें हमको प्रॉब्लम आज भी नहीं हुई। डिस्प्ले का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम, वो हम एक बार क्या हुआ कि मैं जब सोया था तो अपने सर के यहाँ तकिया रखा था, उसी के नीचे रख कर सो गया था, तो उस समय इसका दबने के कारण
तकिया से और मेरे सर से दबने के कारण यह डिस्प्ले उसका थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था। तो हम सुबह में उठे थे तो हमको लगा कि पूरा डिस्प्ले ख़राब, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मैंने स्विच ऑफ को जब खोला तो देखा कि पूरा इसमें सफ़ेद हो जा रहा है कभी कभी। तो फिर कुछ ऐसे ही चलाते चलाते फिर मालूम चला कि बस डिस्प्ले का थोड़ा बहुत, मतलब कि इसमें बस थोड़ा थोड़ा झिलझिलाहट होता है ना, तो और कुछ डिस्प्ले में आज भी यह फ़ोन चलता है जिससे यह रिकॉर्डिंग हो रही है फिलहाल में, ठीक ना। तो बस इतना ही इस वीडियो में, और आज भी प्रॉपर वो फ़ोन चलता है और इन्फिनिक्स का मैंने दोबारा यह फ़ोन लिया और ये दोनों फ़ोन आज भी बेटर परफॉर्म करते हैं और चलते भी हैं। बैटरी बैकअप और हर एक चीज़ इसका बेस्ट है यार, हम इसमें क्या बताएं, हर एक चीज़ जो आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ इसमें बेटर है, ठीक। तो आप इसको जाकर ले सकते हैं इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन। अगर आप इन्फिनिक्स का यही फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसको हम, वैसे यह साल डेढ़ साल पुराना हो गया है तो इस फ़ोन को न लीजिएगा, इन्फिनिक्स का बहुत सारा फ़ोन आ चुका है मार्केट में, आप जाकर उसको ले सकते हैं कोई भी फ़ोन इन्फिनिक्स का। यह हमने तकरीबन 12,000 का ख़रीदा था, उस समय का मार्केट में बिकने वाला पहला फ़ोन था, बहुत ही ज़्यादा बिकता था यार उस समय मार्केट बना लिया था यार, बहुत लोगों ने ख़रीदा जो कि हमने भी ख़रीदा था। और यह आपको ग्लास दिख रहा होगा लेकिन यह ग्लास नहीं है। आने वाले समय में इन्फिनिक्स आईफोन को भी टक्कर दे सकता है, हमको ऐसे लगता है। आई से इन्फिनिक्स और आई से आईफोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और हर एक इसका जो भी लुक आप देख रहे हैं या प्लेन बॉडी है पूरा। और एक और फ़ोन इस समय फ़िलहाल में लॉन्च हुआ है, वो फ़ोन मुझे बहुत ही बेस्ट लग रहा है लेकिन अभी हम उसको नहीं ले सकते। उस फ़ोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 30 5G, बहुत ही बेस्ट फ़ोन है वो। और ये भी फ़ोन बहुत ही लाजवाब है, इन्फिनिक्स नोट 11। इसका एक और वर्ज़न निकाला गया था जब यह मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने लगा ना, तो उस समय एक और फ़ोन इसका लॉन्च किया, इन्फिनिक्स नोट 12, एकदम ऐसा ही। फिर उसके पश्चात फिर एक और लॉन्च किया इन्फिनिक्स नोट 12 i। तो मार्केट में यह बहुत ज़्यादा बिका था उस समय, उसमें अपना कब्ज़ा बना लिया था चारों तरफ बहुत ज़्यादा बिका था। तो इन्फिनिक्स का फ़ोन आप ले सकते हैं, पूरा वीडियो में बस यही बात कि इन्फिनिक्स का फ़ोन आप ले सकते हैं, ठीक ना। इस इन्फिनिक्स वालों ने मुझे कोई कुछ दिया नहीं है, बस मुझे बहुत ही मुझे इन्फिनिक्स वालों से एक बात कहना है कि आप ऐसे ही फ़ोन बनाते रहिए, मैं इन्फिनिक्स को प्रमोट कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में, ठीक ना। मस्त फ़ोन बनाते हैं तो प्रमोट, देखो अच्छे चीज़ की कभी भी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक ना। तो तारीफ़ अब भी किया करो, बस इतना ही इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, आप भी इन्फिनिक्स का फ़ोन जाकर परचेज करें, ठीक ना। बाय।